नमस्ते, मैं डॉक्टर सुबोध चतुर्वेदी और हम वेंटिलेटर की इस ग्राफिक्स वाली सीरीज में आज पांचवें लेक्चर पे पहुंच गए हैं। अभी तक हमने प्रेशर टाइम कर्व के बारे में पढ़ा, फ्लो टाइम कर्व के बारे में पढ़ा, आज हम फ्लो टाइम कर्व की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इसी में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप पहले 1, 2, 3 और 4 देखें तब ये लेक्चर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्लो टाइम कर्व के बारे में पढ़ा था, एक बार उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद हम उसकी एबनॉर्मेलिटीज देखेंगे। तो ये एक नॉर्मल वेंटिलेटर का ग्राफिक्स है। सबसे ऊपर जो ग्राफ है वो वॉल्यूम टाइम कर्व है। कर्व का मतलब होता है जब आप कॉन्स्टेंट के साथ किसी एक वेरिएबल को चार्ट करते हो। लूप का मतलब होता है जब आप दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट चार्ट करते हो। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम टाइम कर्व है या वॉल्यूम टाइम ग्राफ है, इसी को आप स्केलर भी कहते हो। वॉल्यूम टाइम कैसे, ये वॉल्यूम 0 से 500 तक गया फिर वापस नीचे आया, तो ये वॉल्यूम टाइम ग्राफ हमेशा ट्राइंगुलर पैटर्न पे चलता रहता है। हमारा ये पेशेंट अभी वॉल्यूम कंट्रोल मोड पर डला हुआ है। दूसरा जो आप देख रहे हो वो फ्लो टाइम कर्व है। फ्लो टाइम कर्व हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। फ्लो टाइम कर्व में सबसे पहले फ्लो शुरू हुआ तो एकदम फुल पे गया, फिर एक स्क्वायर जैसा बना क्योंकि उतने समय तक फ्लो कांस्टेंट रहा, फिर एकदम से फ्लो गिरा और फिर एक्सपिरेशन में धीरे धीरे करके लंग्स खाली हुए। तो जो सेकंड नंबर पे चल रहा है वो फ्लो टाइम कर्व है। ये आधा ऊपर है और आधा नीचे है। ऊपर कब, जब मशीन पेशेंट में हवा डाल रही है तो कर्व ऊपर की तरफ चलेगा, जब पेशेंट सांस छोड़ रहा है तो हवा वेंटिलेटर की तरफ आ रही है तो वो निगेटिव में चलेगा। तो ये हो गया आपका फ्लो टाइम कर्व। सबसे नीचे जो है वो है आपका प्रेशर टाइम कर्व या प्रेशर टाइम ग्राफ या प्रेशर टाइम स्केलर। इसका शेप अपने आप में बड़ा डिफरेंट है। ये प्रेशर है, ये ऊपर तक जाता है, ये पीक हमने इसकी लगभग 30 के आसपास मान के चलिए। तो ये तीनों हमारे वॉल्यूम टाइम, फ्लो टाइम और प्रेशर टाइम के कर्व्स हैं। अब इनकी एबनॉर्मेलिटीज समझने के पहले हमें दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, एक को हम कहते हैं कंप्लायंस और दूसरे को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में समझाऊंगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। जब लंग्स में हवा जाती है तो उस हवा को जाने में और बाहर आने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कुछ जोर लगता है। तो लंग्स को इन्फ्लेट करने में यानी कि लंग्स को भरने में जो मेहनत आती है, जो मुश्किल आती है, वो डिपेंड करती है कंप्लायंस पे। कंप्लायंस के दो हिस्से हैं, चेस्ट वॉल की कंप्लायंस हो सकती है और फेफड़ों की भी कंप्लायंस हो सकती है। तो लंग्स को इन्फ्लेट करने में जो जोर लगता है, लंग्स कितने आसानी से इन्फ्लेट हो रहे हैं, वो कंप्लायंस है। तो जो ज्यादा कंप्लायंट लंग्स हैं वो बहुत आसानी से इन्फ्लेट हो जाते हैं। जो कम कंप्लायंट लंग्स यानी कि जो स्टिफ लंग्स हैं, जैसे ARDS के लंग्स हैं, उनको फूलने में मुश्किल आती है, उनकी कंप्लायंस हम कहते हैं कि कम है। दूसरी चीज होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो हवा बाहर निकलती है उसे बाहर निकलने में कितना नैरो रास्ता मिल रहा है। ये जो रास्ता है ये एप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर ये रास्ता ज्यादा सिकुड़ गया, ये तुम्हारे ब्रोंकियोल्स अगर ज्यादा सिकुड़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस यूजुअली बाहर निकलने में मिलता है और कंप्लायंस यूजुअली काम करती है लंग्स के एक्सपैंड करने में। तो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, कंप्लायंस की और रेजिस्टेंस की। मेरा एक वेंटिलेटर कोर्स है मेरे ऐप पर जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इस पे घंटे भर का लेक्चर लिया है, अगर ज्यादा उत्सुकता हो तो वहां भी जाके सुन सकते हो, पर अभी के लिए इतना काम आ जाएगा कि कंप्लायंस मतलब लंग्स को इन्फ्लेट होने में कितनी मुश्किल आती है और रेजिस्टेंस मतलब हवा को बाहर निकलने में कितनी मुश्किल आती है। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गया है, यानी उस पेशेंट को ब्रोंको स्पाज्म हो रहा है, वो अस्थमेटिक हो सकता है, वो COPD का पेशेंट हो सकता है जो कि अक्यूट एग्जैकर्बेशन में है, तो उसके फ्लो टाइम ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे ये हम यहां पर देखेंगे। तो ये हमारा पेशेंट है जो वेंटिलेटर पे है। इसका फ्लो जब आप अंदर दोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 से समझो फ्लो आपका 60 लीटर है तो 60 का 60 पहुंच गया, फिर 60 पे बना रहा, फिर 60 से वापस जहां पे आपने इंस्पिरेशन खत्म किया तो ये 60 से एकदम से घटना शुरू हुआ और नीचे तक आया। ये एक नॉर्मल पेशेंट है और ये इसका ग्राफ बन गया।
तो यहां तक का आपका इंस्पिरेशन, यहां से आपका एक्सपिरेशन, ये आपका नॉर्मल एक्सपिरेशन। पर अब अगर इसी व्यक्ति की ब्रोंकोस्पाज़म हो जाए, इसे एस्मेटिक अटैक हो जाए, तो क्या होगा? इंस्पिरेशन वैसा का वैसा रहेगा, फ्लो वैसा ही जीरो से लेके 60 तक जाएगा, फ्लो वैसा का वैसा ऊपर तक रहेगा। जैसे ही एक्सपिरेशन शुरू होगा, ये व्यक्ति उतना ज्यादा एक्सपायर नहीं कर पाएगा, इसका पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम रहेगा और इसका एक्सपिरेशन बहुत स्लो और लॉन्ग रहेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो जितनी ये दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब उतना ज्यादा समय लग रहा है। तो यहां इसका एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो गया और पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट कम हो गया। तो ये नॉर्मल लंग है और ये अस्थमैटिक लंग है। इसमें क्या आपने चीज देखा, इंस्पिरेटरी फ्लो एकदम सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो तो मशीन पुश करके डाल रही है, वो डाल ही देगी। एक्सपिरेशन में जब पेशेंट से सांस छोड़ने को कहा गया, तब वो उतना PEFR जनरेट नहीं कर पाया और उसके एक्सपिरेशन को समय लगा। सो दिस इज द चेंज इन फ्लो टाइम कर्व इन एयरवे रेजिस्टेंस डिजीजेस लाइक COPD और एस्मा। अपन ग्राफ में देखते हैं कैसा दिखेगा। यहां देखें, यहां पर आप अगर पिछले से कंपेयर कर पाओ तो इसका PEFR कम हो गया है और एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग हो गया है। रुको, दोनों ग्राफ साथ साथ दिखा देता हूं। तो ये वाला पेशेंट नॉर्मल है और ये आपका एस्मेटिक पेशेंट है। दोनों में फर्क देखो, इसका एक्सपिरेशन अच्छा डीप जा रहा है और नॉर्मल उसकी ड्यूरेशन है। इसका एक्सपिरेशन उतना डीप नहीं जा रहा और प्रोलॉन्ग्ड है। एक और बड़ा फर्क ध्यान से देखो, वॉल्यूम बोथ केसेस में 500 ml डिलीवर हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन है, जितना टाइडल वॉल्यूम आपने सेट किया है उतना तो जाएगा ही। लेकिन उस वॉल्यूम को जनरेट करने में अस्थमेटिक पेशेंट को प्रेशर ज्यादा लग रहा है। यहां नापने जाओगे अगर, तो अस्थमेटिक पेशेंट का प्रेशर करीब करीब 40 के आसपास होगा, जबकि आपके नॉर्मल पेशेंट का प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 30 निकलेगा। तो क्या क्या फर्क देखा आपने, इसका PEFR नॉर्मल है, इसका PEFR कम है, इसका एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन नॉर्मल है, इसका एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग्ड है और इसका एयरवे प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, आगे चले। दूसरी तरह की समस्या क्या हो सकती है, दूसरी तरह की समस्या हो सकती है कंप्लायंस की। कंप्लायंस की समस्या यानी कि लंग्स ठीक से फैल नहीं पा रहे, वो स्टिफ हो गए हैं, उनमें शायद न्यूमोनिया हो गया है या वो हार्ड हो गए हैं किसी भी कारण से, ARDS लंग्स हैं। अब इसमें जब हवा जाएगी तो फ्लो टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखते हैं। स्टिफ लंग्स में भी इंस्पिरेशन बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ये जीरो से लेके 60 तक वैसे ही फ्लो जाएगा, क्योंकि वो तो मशीन डिलीवर कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीरो से 60 गया, फ्लैट रहा, एक्सपिरेशन शुरू हुआ। नॉर्मल पेशेंट का एक्सपिरेशन ये नीचे तक गया और ऐसा हो गया। लेकिन अगर ARDS लंग है तो उसमें जीरो से 60 तक जाएगा, फ्लैट रहेगा, यहां तक सब ठीक, लेकिन उसका PEFR बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एक्सपिरेशन का टाइम छोटा हो जाएगा। टोटली डिफरेंट है, टोटली उल्टा है अस्थमेटिक पेशेंट से। अब ऐसा कैसे हो गया साहब, आप तो कह रहे हो PEFR बढ़ गया उसका, क्यों भला? समझते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एक्सपिरेशन को समय ज्यादा लगता है। रेस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में यानी ARDS वाली चीजों में कंप्लायंस घट गई। लेकिन कंप्लायंस होती क्या है कि लंग्स कितने आसानी से फैलते हैं, वही कंप्लायंस जब घट जाती है तो कंप्लायंस का उल्टा होता है इलास्टेंस, वो बढ़ जाएगी। फिर से समझो, अगर किसी पेशेंट की कंप्लायंस घट गई तो उसकी इलास्टेंस बढ़ जाएगी। मतलब जिन लंग्स को फैलने में मुश्किल आ रही है वो सिकुड़ेंगे बड़ी आसानी से, राइट? तो ARDS का लंग एक्सपैंड होना मुश्किल होता है, लेकिन
वापस अपनी पोजीशन में तुरंत आ जाता है। कोई भी एक हार्ड सा बलून होगा उसको खींचने में जोर आएगा लेकिन वो एक सेकंड में वापस सिकुड़ जाएगा। तो इन पेशेंट्स का, एआरडीएस के पेशेंट्स का पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट तो बहुत ज्यादा होगा, एक्सपिरेशन बहुत शॉर्ट होगा। तो इनके फ्लो टाइम कर्व कैसे बनेंगे कि डीप पीईएफआर और शॉर्ट एक्सपिरेटरी टाइम। और एस्थमेटिक में हमने कैसा देखा था, शैलो पीईएफआर और लॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम। इसको हम ग्राफिक्स पे देखते हैं। ये देखो, इसमें डीप पीईएफआर आ रहा है और शॉर्ट एक्सपिरेटरी टाइम है। एक और चीज कि इसमें भी एयरवे प्रेशर्स बढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको इसे कमेंट्स में जवाब देके मुझे बताना है। यदि पर्याप्त कमेंट्स मिलेंगे मुझे तब मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और उसकी अगली चीज पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में तीन तरह के लंग्स हैं, हम इसको कह देते हैं ये वन है, ये टू है और ये थ्री है। आपको इन तीनों को ध्यान से देखना है और कमेंट्स में मुझे आंसर लिखना है कि इनमें से अस्थमेटिक कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है और एआरडीएस कौन सा है। ये एक, दो और तीन, ऊपर नीचे एक दो और फिर ये तीसरा तीन, इनमें आपको देख के बताना है कि इनमें नॉर्मल लंग कौन सा है, अस्थमेटिक लंग कौन सा है और एआरडीएस का लंग कौन सा है। तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको आंसर समझ में आया है, आपको कंसेप्ट समझ में आया, तब मैं इसके आगे के और डीपर कंसेप्ट समझाऊंगा। तो एक बार और ध्यान से इस वीडियो को चलने देते हैं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और आप अपना आंसर लिखिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।